कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, विदेशी होने के नाते हम इतना कर सकते हैं, हमारा इतना योगदान हो सकता है कि अपनी भाषा में, अब जैसे यहाँ पे आप कितने देशों के, शायद 39 है ना, इतने देशों के जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने अपने भाषाओं में यदि हिंदी का अनुवाद करेंगे, हिंदी साहित्य का अनुवाद करेंगे, तो जाहिर सी बात है अपने आप ही हिंदी साहित्य का भी, हिंदी भाषा के भी विस्तार होगा दोनों अनेक देशों में। तो इस तरह से हम अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत उमंग, बहुत अच्छा लग रहा है, वो उमंग का वातावरण है, इतने देशों के प्रतिनिधियों से भी मिलने का मौका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सम्मेलन भी काफ़ी अच्छी तरह से आयोजित है, कोई तरह की मतलब किसी तरह की परेशानी है ही नहीं, तो ये बड़ा अच्छा है जी। नाम माने मकरतचान, आर्मेनिया से हूँ। थैंक यू। हिंदी क्यों सीखी आपने? क्यों, सिर्फ पसंद है, मुझे पसंद है, भारत पसंद है, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प देश है इसलिए, और मुझे लिंग्विस्टिक पसंद है इसलिए, क्योंकि रूस से मैं नहीं सिर्फ हिंदी पढ़ती थी, संस्कृत और तेलुगु भी। क्या आपको ये जो भाषा सीखते हैं इससे आपको अपने देश में रोजगार वगैरह मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं? अभी क्योंकि रूस में बहुत इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और भारत से बहुत लोग आएंगे और इसलिए अनुवादक चाहिए। पूरा नाम मेरा नाम कमीला है, रूस से आए। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं दक्षिण कोरिया से आई हूँ, मैं अभी हिंदी पढ़ रही हूँ, वो मुझे हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। तो हिंदी का कुछ साहित्य पढ़ा आपने? या थोड़ा स्कूल में। किस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं बताएंगे मुझे? वो आधुनिक काल का वो इतिहास, हिंदी का इतिहास, या हिंदी का इतिहास पढ़ रही हूँ। साहित्य का ये इतिहास थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अभी भारत का ये वो ये कल्चर नो कल्चर ये सीखना बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। वो हिंदू, मुस्लिम, ये सिख, जैन, अलग अलग धर्म है, बस सब लोग ये धर्म में ये लेने के समय ये सब संबंध था, ये बहुत इंटरेस्टिंग। मेरा नाम जोई है, जोई पार्क, दक्षिण कोरिया से। हाँ, दक्षिण कोरिया से। धन्यवाद।